मिक्सोपैथी कानून के खिलाफ डॉक्टरों की भूख हड़ताल। दरअसल मिक्सोपैथी कानून के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बार फिर सड़कों पर उतरने को तैयार हुआ और 10 फरवरी को आईएमए ने भूख हड़ताल का फैसला लिया और इसी के चलते लघु सचिवालय के सामने आज पानीपत के सभी डॉक्टर्स अपने क्लिनिक व अस्पताल बंद कर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जब इस बारे में डॉक्टरों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मिक्सोपैथी कानून में आयुष चिकित्सकों को भी विभिन्न प्रकार की सर्जरी करने का अधिकार दे दिया है। एक अच्छा सर्जन बनने में पढ़ाई के बावजूद भी करीब 5 से 6 वर्ष का समय लग जाता है, लेकिन सरकार आयुष के चिकित्सकों को केवल 2 साल का प्रशिक्षण देकर सर्जरी करने की अनुमति दे रही है, जिससे मरीजों के जीवन के साथ साक्षात खिलवाड़ है। सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो चिकित्सा होती है, जान बचाने वाली चीज़ होती है। सरकार जो निर्णय ले रही है वो उसमें ऐसा है जिससे आम जनता की जान को खतरा है। कम ट्रेनिंग देके दूसरे पैसे के चिकित्सकों को सर्जरी करने की इजाज़त दी जा रही है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, इससे आम जनता की जान को खतरा हो। ये बात सरकार समझे, हम लोग मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। सरकार कुछ दूसरा रास्ता निकाले, उनको ट्रेन करे, फिर मरीजों का सर्जरी करने की इजाज़त दे, लेकिन जो नियम सरकार अभी लाना चाहती है वो आम जनता के हित में नहीं है। सिर्फ विरोध है मिक्सोपैथी, आपने आयुर्वेदिक मिक्सोपैथी जरूर प्रोपोगेट करो, हमें वो नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिक्स मत करो, उसकी ट्रेनिंग उसकी एजुकेशन थोड़ी अलग है, इसकी एजुकेशन अलग है। आपको मिक्स करना है, इससे अच्छा उसको बंद करके बट ऐसे मिक्स करने से जनता का नुकसान है। जिस चीज़ की तुमने पढ़ाई नहीं करी थी तुम्हें अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिस करा जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वह कड़े फैसले लेने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।